एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट। अभी गारंटी लगा के we are dependent on the environment as it fulfill our basic needs such as water, food, air, etc. We also depend on environment for clothing, shelter, medicine, paper. क्योंकि environment हमारी सभी basic needs जैसे water, food, air सभी को fulfill करता है, तो इसीलिए हम किस पे environment पे डिपेंड करते हैं। और एनवायरनमेंट से हमें क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, पेपर ये सब भी मिलते हैं, तो इसी वजह से हम एनवायरनमेंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोल्यूशन? पोल्यूशन किसे कहते हैं या पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच मेक द एनवायरनमेंट डर्टी इज कॉल्ड पोल्यूशन। कि जो हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी करते हैं, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन। कि पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है कि जब उनकी प्रेजेंस होती है हार्मफुल सब्सटेंस की एनवायरनमेंट के अंदर और वो एनवायरनमेंट को डर्टी बना देते हैं, तो दैट इज नोन एज पोल्यूशन। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? Water pollution is caused by domestic and industrial waste released directly into water bodies like pond, lake and rivers. So water pollution के main causes कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? कि जो हमारा domestic waste है और industrial waste है। Domestic waste means जो घरों के अंदर से जो waste water जाता है, या फिर इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री के अंदर से जो वेस्ट वाटर रिवर, पोंड या लेक में जो हम डिस्पोज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। दीज आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। व्हाई शुड वी नॉट कट डाउन ट्रीज? कि हमें ट्री क्यों नहीं कट डाउन करने चाहिए? वी शुड नॉट कट डाउन ट्री बिकॉज दे हेल्प इन प्यूरिफाइंग एयर, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल एंड बर्ड्स, प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन। जो ट्री है वो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाते हैं यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन। और जो मिट्टी का जो कटाव है बारिश में या हवा के साथ, उसको भी प्रिवेंट करते हैं, उसको भी स्टॉप करते हैं। सो प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे बेटा। अब हम रिवाइज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7 एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द एनवायरनमेंट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनवायरनमेंट? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट। कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी मिलके किसका निर्माण करते हैं? एनवायरनमेंट का। So all living and non-living things make up environment. Environment को बनाते हैं। What is pollution? What are different type of pollution? Give examples of pollutants that pollute air, water and soil. अभी long question है बेटा, तो इस एक question में ही 3 questions को mix किया गया है। ये 3 तरीके से आप इसको learn करेंगे, क्योंकि 3 इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चन। फर्स्ट बनता है व्हाट इज पोल्यूशन, सेकंड इसी में है व्हाट आर द टाइप ऑफ पोल्यूशन, और इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि वाटर, एयर और सोइल के पोल्यूटेंट बताइए जो उनको पोल्यूट करते हैं।
The presence of harmful substance which make our environment dirty is called pollution. कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस की जो प्रेजेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी करेंगे दैट इज नोन एज पोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस कि हमारे आसपास का चाहे वो वाटर है चाहे वो एयर है चाहे सोयल है अगर उसके अंदर क्या आ जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे पोल्यूशन कहेंगे Different type of pollution are air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. So, अलग अलग तरह के जो हमारे जो pollution हैं वो कौन कौन से हैं Air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. कि air के अंदर अगर harmful substance आ जाएं smoke या dust particle air में add हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे Air pollution कहेंगे वाटर में अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं कंटेमिनेटेड सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं जिससे वाटर कंटेमिनेटेड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे सोइल के अंदर मिट्टी के अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाए जैसे हम गार्बेज डाल देते हैं पोलोथीन प्लास्टिक या ग्लास के टुकड़े अगर उसके अंदर हम डाल दें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो सोइल के अंदर मिक्स नहीं होते डिकम्पोज नहीं होते तो वो क्या करेंगे सोइल पोल्यूशन करेंगे अगर ऐसे ही सब्सटेंस हम वाटर में ऐड कर दें तो वाटर पोल्यूशन करेंगे नॉइज पोल्यूशन जो फोर्थ टाइप का जो पोल्यूशन है दैट इज नॉइज पोल्यूशन कि अननेसेसरीली साउंड अगर हम क्रिएट करें एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का अगर हम साउंड क्रिएट करें लाउड साउंड अगर क्रिएट करें तो उससे क्या होता है नॉइज पोल्यूशन होता है इस तरह के पोल्यूशन को हम नॉइज पोल्यूशन कहेंगे कि अगर हम लाउड स्पीकर बहुत हाई वॉल्यूम में बजाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में या रिलीजियस कोई भी फंक्शन है या मैरिज हैं उसमें अगर डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है वो भी किस कैटेगरी में आएगा नॉइज़ पोल्यूशन में आएगा जितने भी हमारे व्हीकल हैं उनके जो हॉर्न हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीन चलती हैं उनसे जो साउंड जो निकलता है वो भी क्या करता है नॉइज़ पोल्यूशन करता है तो ये चार टाइप के हमारे पोल्यूशन है इसी में है कि पोल्यूटेंट ऑफ एयर वाटर एंड सोयल एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वहां से क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है तो वो एयर पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूटेंट पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट are known as water pollutant the poisonous chemical jo factory ke andar se hain aur pesticides from agricultural waste agriculture se jo waste aate hain wo bhi hamare kya rahenge water pollutants rahenge soil pollutants soil ke kaun se pollutants hain fertilizers and pesticides hum kheton ke andar jo खाद जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स और जो दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स उनसे सोइल पोल्यूशन होता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम यूज करें तो उनसे क्या होगा सोइल पोल्यूशन होगा तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट है हाउ इज एयर polluted by nature and human being कि एयर किस तरह से polluted होती है नेचर के द्वारा और ह्यूमन बींग के द्वारा सो पहले तो हम डिस्कस करते हैं पोल्यूशन बाय नेचर कि क्या ऐसा भी होता है कि नेचर से भी एयर का पोल्यूशन होता है यस अगर फॉरेस्ट के अंदर फायर की कंडीशन आ जाए कि जितने हमारे फॉरेस्ट है वहां पे आग लग जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक क्रिएट होता है तो सर आप सेकंड क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं अच्छा सेकंड क्वेश्चन बेटा चलिए सेकंड क्वेश्चन फिर से करते हैं लॉन्ग सेकंड ना यस सर ओके 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 लॉन्ग सेकंड में बेटा थ्री पार्ट्स हैं पहला है व्हाट इज पोल्यूशन
The presence of harmful substance which make our environment dirty is called pollution. उसको हम pollution कहेंगे. What are the different type of pollution? What are the different type of pollution? कि pollution के कितने types हैं? So four type के pollution हमने discuss किए हैं. उनमें से पहला है air pollution. Second is water pollution. Third soil pollution. And fourth one is noise pollution. तो ये होगा हमारा जो सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन. सिर्फ नेमिंग आपको बतानी है. इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है, गिव एग्जांपल ऑफ पोल्यूटेंट दैट पोल्यूट एयर वाटर एंड सोइल. यानी कि ऐसे एग्जांपल हमने देने हैं पोल्यूटेंट के जो एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं एंड सोइल को पोल्यूट करते हैं. उन पोल्यूटेंट्स के नाम बताने हैं. ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका बैक एक्सरसाइज में है, सी पार्ट के अंदर बिल्कुल सेम है. अगर आपने वहां से बैक एक्सरसाइज का सी पार्ट किया तो इसका भी थर्ड पार्ट हो जाएगा. सो एग्जांपल ऑफ पोल्यूटेंट्स आर एज फॉलो. एयर पोल्यूटेंट्स, एयर के कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सेकेंड पार्ट, वाटर पोल्यूटेंट्स, पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट. Poisonous chemicals from factories and pesticides from agricultural waste. या simple water pollutants में लिख सकते हैं chemical from factories and pesticides. Okay? Factory के अंदर से जो chemical निकलते हैं जो pesticides होते हैं. खेतों के अंदर जो हम कीटनाशक दवाइयाँ जो यूज करते हैं उनको pesticides बोलते हैं. उनके भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से water pollution होता है. Third है सोइल पोल्यूटेंट्स. सोइल और वाटर के पोल्यूटेंट लगभग एक जैसे ही होते हैं. सो सोइल पोल्यूटेंट में हम लिखेंगे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एयर पोल्यूटेड बाय नेचर एंड ह्यूमन बीइंग. एयर इज नेचुरली पोल्यूटेड बाय वोल्केनिक एरप्शन and forest fire. Air is naturally polluted by volcanic eruption and forest fire. Air जो है वो naturally किस तरीके से pollute होती है कि volcanic eruption हो जाए. volcano ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है, volcano के अंदर कोई विस्फोट जब होता है तब भी बहुत ज़्यादा amount में ash, smoke, ये सब बहुत सारी harmful gases, ये सब चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और जो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ की जो एयर है उसको वो पोल्यूट कर देती है. और फॉरेस्ट फायर, बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाए तब भी जो होता है हमारा एयर पोल्यूशन होता है. तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज. अब ह्यूमन बीइंग से क्या होगा? एयर इज मेनली कॉज्ड बाय, एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय केमिकल रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, व्हीकल लाइक कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा. कि जो ह्यूमन बीइंग्स जो फैक्ट्रियाँ जो चलाते हैं, पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल हैं, व्हीकल के अंदर से जो स्मोक निकलता है, जो गैसेस निकलती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं. तो दीज आर द ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो हमारे एयर को जो पोल्यूट किया जाता है. और पहले वाला जो था वो कौन सा था? नेचुरल तरीके से जो एयर पोल्यूट होती है. सो नेचुरल, जो नेचुरली एयर पोल्यूटेंट जो आपने लिखने हैं वो है वोल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर. और ह्यूमन जो एक्टिविटी से जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें आप लिखेंगे पोल्यूशन कॉज्ड बाय केमिकल रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, व्हीकल लाइक कार, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 4, what are the harmful effect of air pollution on human health? Human health pe harmful effect kya rahenge? Air pollution can cause cancer, trouble in breathing, like asthma. Sir? Yes? Sir? Third question dobara samjhana. Third question dobara samjhana. Third question mein beta aapko do तरीके से बताना है कि एयर, हाउ इज एयर पोल्यूटेड बाय नेचर एंड ह्यूमन बीइंग. कि किस तरह से नेचर के द्वारा और ह्यूमन बीइंग के द्वारा एयर पोल्यूट होती है. सो जो नेचर
नेचर के द्वारा एयर पोल्यूट होती है वो है वोल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो किससे है, जो फैक्ट्री के अंदर से जो केमिकल निकलते हैं, पावर प्लांट्स के अंदर से जो केमिकल निकलते हैं, व्हीकल जो कार बस ट्रक है उनके अंदर से जो स्मोक निकलता है, उनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एयर क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं एयर पोल्यूशन से वो क्या रहेंगे। एयर पोल्यूशन कैन कोज कैंसर, ट्रबल इन ब्रीदिंग, अस्थमा हम बोलते हैं, कैंसर हो जाता है, ब्रेन लंग्स के अंदर डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आंखों के अंदर जलन रहना, बिल्कुल ऐसे जलते ही रहना आंखें, तो उसको बर्निंग सेंसेशन हम बोलते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है। सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर सो हार्मफुल दैट दे कैन कॉज डेथ। और एयर के अंदर कुछ बहुत सारे अगर हार्मफुल सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि अगर वो एयर के अंदर आ जाएं तो उससे डेथ भी हो जाती है, इतने पॉइजनस होते हैं। तो दीज आर द बैड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बुरे जो प्रभाव हैं वो क्या है। तो उससे कैंसर हो सकती है, एयर पोल्यूशन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा, लंग्स और ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, और अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनस पोल्यूटेंट एयर के अंदर हैं तो उससे डेथ भी हो जाती है। दीज आर द बैड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं कि जिससे हम एयर, व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, दिस हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे सबसे बेस्ट जो मेथड है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें प्लांट करने चाहिए और कम से कम ट्री को काटना चाहिए। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बैलेंस हो जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल हो जाएगा और एयर प्यूरिफाई हो जाएगी। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज, हमारी जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री है ये ऐसे एरिया में हमें शिफ्ट कर देनी चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, रेजिडेंशियल एरिया बहुत कम है। तो ऐसे में अगर वहाँ से कोई हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं स्मोक से, तो उसके आसपास के जो एरिया की जो पॉपुलेशन हो वो इफेक्ट नहीं होगी उसे। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज। नेक्स्ट है हमारा वेज टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एंड पॉइजनस केमिकल इन वाटर बॉडीज, हमें जो गार्बेज और पॉइजनस केमिकल हैं वो वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करने चाहिए। वाटर बॉडीज जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, इसमें थ्रो नहीं करने चाहिए। अगर हम वहाँ पे थ्रो करते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा, और वही कंटेमिनेटेड वाटर कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग उसको ड्रिंक करेंगे तो वो हार्मफुल सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और बहुत सारी डिजीज का कारण बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि वाटर के अंदर गार्बेज और पॉइजनस केमिकल को थ्रो नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर, और अगर हमारी जो डोमेस्टिक जो वेस्ट है, घरों के अंदर की जो सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है, उसको अगर हमें वाटर बॉडी में डालना ही है तो पहले उसको ट्रीट करें। ट्रीट करने का मीनिंग है कि जो उसका हार्मफुल जो लेवल है उसको थोड़ा कम किया जाए, कुछ एक ऐसे केमिकल उसमें ऐड कर दिए जाएं कि जो उसका पॉइजनस नेचर है या हार्मफुल नेचर है वो थोड़ा कम हो जाए।
जब उसके हार्मफुल नेचर कम हो जाएगा उसके बाद हमें उसको वाटर बॉडीज जैसे रिवर पोंड लेक उसमें उसको डालना चाहिए, डायरेक्ट में नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसका पॉइजनस लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो जिस भी वाटर बॉडीज में हम उसको डंप करेंगे वहां पे वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। सो दीज आर द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो बेटा वन बाय वन जितनी जगह मैं नाम अनाउंस करता हूँ, अब आप नोटबुक चेक करें। अनन्या मिगलानी, अनन्या मिगलानी, यस बेटा, यस सर, यस नोटबुक चेक कराएं। सर सेवन चैप्टर्स है।